नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। न सिर्फ आम जनता बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड के कई कलाकार इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं और इस फरियत में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है उर्मिला मातोंडकर का। दरअसल पूर्व कांग्रेस नेता और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने भी सीए को लेकर अपनी आपत्ति जताई है और इसे काला कानून करार दिया है। उर्मिला ने नागरिकता संशोधन कानून की तुलना अंग्रेजों के रॉल्ट एक्ट से की है। रॉल्ट एक्ट को ब्रिटिश शासकों ने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पास कराया था और इस कानून को इतिहास में काले कानून की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नागरिकता संशोधन कानून की आलोचना करते हुए उर्मिला मातोंडकर ने कहा, 1919 में पहला विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेज ये समझ गए थे कि हिंदुस्तान में उनके खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने रॉल्ट एक्ट जैसा एक कानून को भारत में लागू कराया। 1919 के इस रॉल्ट एक्ट और 2019 के सीए को अब इतिहास के काले कानून के रूप में जाना जाएगा। उर्मिला ने कहा कि अगर मैं उस समय की बात करूं तो उस समय भी लोग जैसे सड़कों पर उतरे थे वही आज भी उतर रहे हैं। हालांकि मैंने वो समय तो नहीं देखा लेकिन उसके बारे में पढ़ा जरूर है। इस कानून को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ हो। ये कानून गरीबों के खिलाफ है और गरीब कोई भी हो सकता है। हालांकि उर्मिला मातोंडकर पहली सेलेब्स नहीं है जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की आलोचना की है। इससे पहले भी अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, अभिनेत्री शबाना आजमी, जावेद अख्तर से लेकर डायरेक्टर अनुराग कश्यप तक ने इस कानून का विरोध किया है। इसके अलावा फिल्म निर्माता मीरा नायर और इतिहासकार रोमिला थापर समेत 300 से ज्यादा हस्ती भी इसकी मुखालफत कर चुके हैं। इंडियन कल्चर फोरम में 3 जनवरी को प्रकाशित हुए बयान में इन हस्तियों ने कहा कि CRNRC भारत के लिए खतरा है। आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर 2019 के चुनाव से पहले मुंबई में कांग्रेस पार्टी की सदस्य बनी थी। उर्मिलापुर में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि 2019 में चुनावी मैदान में उर्मिला मातोंडकर को हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।